हाय, जय जगन्नाथ। आज मैं बना रही एक लबाबदार। अच्छा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह सुनते आ रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो ये वाला अंडे वाला लबाबदार एक बार ट्राई करना। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक ऑनियन एंड एक गार्लिक, जिसका ऑनियन तो पूरा डाला है, गार्लिक का मैंने आधा कट करके डाला है बस। तो यहाँ पर मैं गैस पर पैन चढ़ा के उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, फिर एक बेलीफ यानी कि तेज पत्ता डाल रही हूँ, फिर ना उसके बाद जो चॉप्ड ऑनियन एंड गार्लिक थे उनको डालना है और उनको सॉटे करना है कुछ देर। पता है मेरे को ना अंडा का वो अंदर का जो होता है ना केसर, वो खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैं बचपन से ही नहीं पसंद, मैं वो केसर किसी और को दे देती थी। मेरी माँ बोलती थी चावल में ना उसको एकदम से स्मैश करके खा लेना है, बट मेरे से होता ही नहीं था। तो यहाँ पर ना प्याज को एकदम अच्छे से सॉटे कर लेना है और फिर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉटे करना है। यहाँ पर मैं 2-3 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, पता नहीं मैं क्यों यूज़ किए थे। और यहाँ पर पाउडर सारा डाल देना है, जैसे कि टर्मरिक और मिर्च पाउडर और क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर जो जो है वो सारा डाल सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं कि मसाला मसाला कर देना है। तो जो जैसा जो पाउडर है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं मसाला बना रही हूँ पानी देके। फिर ना मतलब कुछ डालो ना डालो बट एक टमेटो को ग्राइंडिंग करके उसका पेस्ट ज़रूर डालना है। अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डालोगे तो चलेगा, बट टमेटो पेस्ट मैंडेटरी है, वो तो डालना ही है। एंड मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ। और पता है सारा मतलब जो भी है ये पूरा लबाबदार इस टमेटो पर ही बेस्ड है। टमेटो ऐड करने के बाद ना इसको ऐसे ही चलाते रहना चाहिए ताकि ये नीचे लग ना जाए, क्योंकि लग जाएगा ना एकदम अजीब सा स्मेल आएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा एकदम। चिकन का बात अलग होता है एंड ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको एकदम चलाते रहना चाहिए, चलाते रहना है, बस लगने नहीं देना है। फिर ना मैं इसमें ना 1 टेबल स्पून नमक यूज़ कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया नमक। और फिर ना दूध का मलाई या फिर फ्रेश क्रीम जो है घर में वो ऐड करो, थोड़ा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना दूध का मलाई लिया है क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं था। और ना थोड़ा मीठा भी लगना चाहिए ना, थोड़ा नमकीन, मिट्टी मिट्टी, तिक्खा तिक्खा जो भी है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड किया है, शुगर ऐड किया है। फिर फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर पुदीना का पत्ता ऐड कर रही हूँ, पुदीना धनिया जो भी है उससे ही फ्लेवर ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है तो भी चलेगा। फिर ना यहाँ पर मैं ले रही अंडा, जिसको मैं तोड़ के डालूँगी, बट उससे पहले मैं ना यहाँ पर से ये जो तेज पत्ता हम लोग डाले थे उसको निकाल लेना है, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है, तो इसको निकाल के फेंकना है। एंड ये रहेगा ना तो अंडे के बीच फंस जाएगा तो कितना अजीब लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैं अंडा को तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि सोचो मैं अगर अंडा को ऐसे ही डायरेक्ट डाल दूँगी, तोड़ के सीधा करी में ही डाल दूँगी, और बाय चांस कोई अंडा ख़राब निकल गया तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा करी ही मुझे फेंकना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं एक एक अंडा तोड़ के डालूँगी, और पूरा करी बन जाने के बाद मैं यहाँ पर गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली घर में सब जो भी बनता है उसके बाद हम लोग गरम मसाला ही ऐड करते हैं। और यहाँ पर पापा को जल्दी खा के जाना था तो मैं यहाँ पर आधे से निकाल रही, और मैं थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वो ख़त्म होने के बाद मैं ले रही सूखा सूखा टाइप का, वो भी मस्त है, ये भी मस्त था। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।